हेलो एवरीवन, आज हम लोग ऑपरेशन करेंगे पॉलिटी का। आपके रिक्वेस्ट जो ऑप्शनल पेपर को लेकर आया है, दो चार पांच दिनों के अंदर उसको भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अभी जीएस को एक बार कर लेते हैं, इकोनॉमिक्स तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर ऑप्शनल पेपर को देखेंगे। और ये दो तीन दिन के अंदर ही वो भी आ जाएगा। ज्योग्राफी का इसके पहले हमने किया था, क्योंकि ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के अंदर दिक्कत देखी गई थी वो इकोनॉमिक्स, ये तीनों सबसे जरूरी है। उसके बाद फिर हिस्ट्री करते रहेंगे, ऑप्शनल पेपर को हम कर देंगे उसके बाद। ज्योग्राफी जब कर रहे थे तो सिर के ऊपर पूरा बाल था, है ना, दाढ़ी वाढ़ी बढ़ी हुई थी, अब पूरा साफ हो गया है। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ये करना पड़ता है, उसी में से ये भी था। घर वाले का कहना है कि एकदम बिना टोपी लगाए तो वीडियो बनाना मत, दिखाना मत, तुम टकले हो। तो खैर, मैंने कहा कि शब्दों की अहमियत है, ठीक है, सब शब्द अहम है, और बाकी वेशभूषा भी अपना अपनी जगह पे, उसका भी एक महत्व है, बट चलेगा, एटलीस्ट हमारे स्टूडेंट को तो चलेगा ही, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे पॉलिटी। पॉलिटी देखने में जितना, देखिए पॉलिटी के बारे में इसको शुरू करने के पहले आपको मैं बताता हूं, अरेंज फॉर्म में भी आपको पढ़ना है, वो भी हम बताएंगे। और पॉलिटी के बारे में गलत फहमी उसको पहले दूर कर लीजिए। पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबको लगता है कि हम महारत हासिल किए हुए हैं, लेकिन थाउजेंड में दो ही ऐसे लोग हैं जिनको सही में महारत हासिल होती है। थाउजेंड में, हजार में दो लोग हैं या चार लोग हैं जिनको महारत हासिल है, ये रेशियो है। अदरवाइज गलतियां कभी भी करवाई जा सकती है। कुछ आसान फैक्ट्स आते हैं उसके कारण ये गलत फहमी हो जाती है। सारे सब्जेक्ट में अगर आप उठा के देख ले तो पॉलिटी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां बिना गलती किए हुए पूरी तरह से सीखने की संभावना ही नहीं है। यानी आप जब तक, समझिए इस बात को अच्छे से, जब तक आप क्वेश्चन पेपर पे गलती नहीं करेंगे, वो रूम में बैठ के हो, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के हो, टेस्ट पेपर पे हो, पॉलिटी के अंदर आपको क्वेश्चन के लेवल पे गलती करनी चाहिए। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, करनी चाहिए, क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा उलझा हुआ सब्जेक्ट है जहां पे गलती करने के बाद ही उसको आप जान पाएंगे, भले आप 10 बार लक्ष्मीकांत क्यों ना पढ़ ले। ये एक्सपीरियंस है और ये एक्सपीरियंस गलत नहीं गया है। क्लासेस के अंदर क्या होता है, कई बार धुरंधर लोग आ जाते हैं, क्लासेस या सामना करना पड़ता है ऐसे धुरंधर का, तो उनका एकदम एक स्टार्टिंग से ही कहना है कि सर पॉलिटी में तो कुछ हो ही नहीं सकता, पॉलिटी में तो मैंने ये। और जब पॉलिटी से सवाल पूछा जाता है तो वहां पे काम खराब हो जाता है, तब उनको एहसास होता है कि हाँ सर गड़बड़ हो गई है। तो ऐसा, मतलब ऐसा लगभग हर बैच में होता है, ये मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं, इसलिए एक्सपीरियंस है। तो बेहतर है कि ट्राई करने से, मतलब बेहतर है कि इन चीजों को कर लीजिए, गलत चीज तो सिखा नहीं रहे हैं आपको। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए पॉलिटी में, वहां पे डेप्थ वाले सवाल भी जरूर कीजिए, क्योंकि वहां उलझन सुलझेगी ना। वही बोला फिर से, कितनी बार ही पढ़ लोगे, वहां उलझन नहीं सुलझेगी तो मामला गड़बड़ रहेगा। अब हम लोग पॉलिटी को कैसे अच्छे से पढ़े, किताब तो आपके पास एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत है, एम लक्ष्मीकांत को पढ़िए। लेकिन एम लक्ष्मीकांत जो है वो प्रीलिम्स में आपको काम आएगा, मेंस में एम लक्ष्मीकांत पूरी तरह से काम नहीं आएगा। तो मेंस के लिए पता है क्या करना है, मेंस के लिए क्या कीजिए ना, मेंस के लिए कोई किताब मत खरीदिए। मेंस के लिए किसी भी इंस्टीट्यूट का जो बढ़िया हो, आपको लगता है कि नहीं ये ठीक से मटेरियल देता है, उसका एक नोट्स सिम ले लीजिए, उस नोट्स को एम लक्ष्मीकांत के साथ मिला दीजिए, तब देखो जो कॉकटेल तैयार होगा ना मेंस के लिए, वो बड़ा ही लाजवाब और बहुत ही शानदार होगा। क्योंकि मेंस के भी कुछ कंटेंट आपको एम लक्ष्मीकांत से मिल जाएंगे, और वो जो नोट्स होगा ना उसमें भी अप्लाई टाइप के सवाल, यानी चुनाव में अपराधीकरण, कालाधन, फलाना ढिमाका टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं पॉलिटी के अंदर, वो सब वहां मिल जाएंगे। उसका और इसका दोनों का कॉम्बिनेशन बना के जब तैयारी मेंस का करेंगे ना तो अच्छा होगा। तो एक एम लक्ष्मीकांत ही काफी है, कोई एक नोट्स या दो नोट्स ले लीजिए, काफी है मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए तो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सवाल है कि पॉलिटी को पढ़े कैसे, पॉलिटी को पढ़े कैसे। देखिए पॉलिटी को पढ़ने के लिए आप अगर उसको चैप्टर वाइज सही तरीके से अरेंज करेंगे ना, जो एम लक्ष्मीकांत में भी नहीं किया गया, उसको अपने अकॉर्डिंग आप कर लीजिए, उससे क्या होगा कि एक जो स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट बनेगा वो बनता ही चला जाएगा। जैसे एक बार तो ओवरव्यू, एज यूजुअल ओवरव्यू, कि आपको पॉलिटी के अंदर पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक है जिसपे आपको ध्यान देना है, तो वो तो ओवरव्यू आप कर लेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संवैधानिक विकास, देखो ये संवैधानिक विकास वाला जो हिस्सा है ना, ये मॉडर्न हिस्ट्री का भी हिस्सा है। आधुनिक भारत में जो संवैधानिक विकास हुआ था,
संवैधानिक विकास हुआ 1935 तक के अधिनियम तक, तो वही यहां पे भी पढ़ना है। तो ये इसको आप पॉलिटी में डालिए, इसको आप इकोनॉमिक्स सॉरी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर डालिए, ये एक मतलब जहां भी पढ़ना है ना वहीं पढ़ डालो। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ना है वहीं पढ़ के समाप्त कीजिए, वहां तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तो बेहतर है वहीं पढ़ लीजिए। और यहां पे भी आपको देखना है, तो यहां पे नहीं भी देखेंगे तो काम चलेगा। तो ये अब, लेकिन फिर उसके बाद संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान का जो हमारा संविधान है कॉन्स्टिट्यूशन है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो कैसे कैबिनेट मिशन फॉर्म हुआ, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसका इलेक्शन कैसे हुआ, कैसे मैंने इनडायरेक्ट इलेक्शन ही हुआ तो वो क्यों हुआ, ये सारी चीजें आपको यहां मिलेगी। पाकिस्तान के पार्टीशन के पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति थी, कौन कौन से लोगों का पार्टिसिपेशन था, ये सारा आपको इस संविधान सभा के अंदर मिल जाएगा। हो गया। अब देखो ये संविधान 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 चलता आ रहा है, ये पूरा संविधान 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 ही चलेगा, पूरा एक से एक जगह कर दिया गया है, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कॉपी पे अपने। अब संवैधानिक डेवलपमेंट देख लिया, संविधान का निर्माण, संविधान सभा, अब इसी संविधान सभा से आगे आएंगे तो संविधान के अंदर सबसे पहले प्रीएम्बल है, और ये प्रीएम्बल हमेशा मजाक लगता है, प्रीएम्बल पढ़ते भी नहीं है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रीएम्बल नहीं पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ने के कारण आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन गलत होगा कि सब इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सुप्रीम सोर्स है, हाँ कौन सा सबसे माने महत्वपूर्ण सोर्स शक्ति का स्रोत है, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति, संविधान, हम भारत के लोग, तो बहुत सारे लोग संविधान पे अटक जाएंगे कि संविधान है, लेकिन वी द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा उद्देश्य का प्रीएम्बल स्टार्टिंग ही से होता है, और यही वी द पीपल ऑफ इंडिया हम ही ने इनैक्ट किया और एडॉप्ट किया है, यानी हम भारत के लोगों ने ही संविधान बनाया, उसको अपने ऊपर आत्मार्पित किया है, समझ में आ रहा है, तो उद्देशिका पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके अलावा इसके अंदर जुडिशरी, इसके अंदर न्याय की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई, कितने प्रकार की गई है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ऐतिहासिक मतलब एकमात्र प्रीएम्बल ही है जो बताता है संविधान को कब एक्सेप्ट किया गया, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं, तो इसके कई सारे इंपॉर्टेंस है, वो जब किताब पे पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगी। तो ये इसको जो सबसे इग्नोर किया जाता है पार्क, इसको यहां पे क्या याद किया जाता है, यहां पे याद एक्चुअली क्या किया जाता है, यहां पे याद किया जाता है कि उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन से तीन चीजों को जोड़ा गया, यही ना याद किया जाता है, बट वही नहीं है सिर्फ, ये बहुत ही अहम है, और मेंस में भी आपको यहां से सवाल आएंगे, तो इसको मेंस और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है। अगला, हमारे संविधान की विशेषता क्या है, विशेषता क्या है, किस तरह की सरकार है, कितने अधिकार दिए गए हैं, जुडिशरी सिस्टम क्या है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, तो इस तरह की कई सारी विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमको संविधान यही पढ़ जाना है, ये प्योर मेंस का है। और अगर अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाया जिस तरह से अभी पॉलिटी में बढ़ाया गया है, वहां से भी सवाल आ जाएगा, जैसे हिमालयन और पेनिनसुला की नदी का अंतर पूछा गया ना, तो ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है, और वहां पंगा हो सकता है अगर टिपिकल वर्ड्स का यूज कर दिया जाए, इसको पढ़ लो। संविधान की बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर पहली बार कब आया, वो होता क्या है, केशवानंद वाला जो केस था वो कब आया, उसी में आया था ना, वो होता क्या है, कौन कौन से चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर में डाला गया और क्यों डाला गया, तो ये आप यहां से पढ़ लोगे, बेसिक स्ट्रक्चर वाला बुनियादी ढांचा। उसके बाद फिर संविधान आता है, संविधान संशोधन कितने तरीके से किया जा सकता है, किस पार्ट में है, किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 368 के तहत कैसे हो सकता है, और इसको भी हल्के में लेते हैं ना, नहीं लीजिए, नहीं इसलिए लीजिए कि ये संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है, एक तो संविधान मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया मेंस में पूछ देना तो आपका आंसर बदल जाएगा, आपका आंसर होगा कि संविधान में दो तरीके से संशोधन हो सकता है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल, एक अनौपचारिक एक औपचारिक, औपचारिक में तीन तरीका है, अनौपचारिक में कई तरीके हैं, पारंपरिक परंपरा से बहुत सारी चीजें आ गई है, बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से आ गई है, तो और यहां पे तीन तरीके से, उसमें भी आर्टिकल 368 में मात्र दो ही तरीके से, तो यहां ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन को भी याद कर लीजिए, जैसे 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, बहुत सारे रिफॉर्म किए गए, 44 में कई सारे उसमें गलतियां हुई थी, 42 में उसको सुधारा भी गया,
तो संविधान संशोधन को मेन सब पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद हिंदी में संविधान, तो टोटल मिला के जो संविधान का कॉन्सेप्ट है ना, इन पेज इन सब को एक साथ जैसे ही करेंगे आपके संविधान का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ी बड़ा जो हर्डल है ना, क्योंकि समझ में आना, एक बेसिक एक बाउंड्री खींचना वो बहुत ही अहम होता है, ये आपके उस सीमा का निर्धारण कर देगा। और संविधान के बारे में जितने भी तरह के डायमेंशन है वो आपको एक ही साथ जब पढ़ोगे, एक साथ पढ़ेंगे तो वो एक साथ पढ़ी हुई चीजें समझ में भी ज्यादा आती है। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा, अब देखो यहां पे क्या है, शासन व्यवस्था के प्रकार, टाइप्स ऑफ गवर्नेंस। अब हमारा जो संविधान है वो एकात्मक है कि संघात्मक है, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। यानी हमारे संविधान में यूनियन नेचर है या फेडरल नेचर है, है तो दोनों ही नेचर, तो यूनियन नेचर में कौन कौन सा आता है, फेडरल नेचर में कौन कौन सा आता है, कब कब कौन कौन सा काम करता है उसको देखना है। और इसी में आपका केंद्र और राज्य संबंध आ जाएगा। और इसी पे इस बार पॉलिटी में सवाल पूछा गया है, शायद ये था ना कि प्रशासनिक रूप से जो पावर का डिवीजन है वो कैसे होता है, लोकसेवक अधिकारी वाला जो सवाल था, तो वो एक्चुअली इसी का पार्ट है। क्योंकि एक सामान्य प्रशासन होता है, फिनेंशियल संबंध होता है, तो अलग अलग तरह के इमरजेंसी के दौरान अलग संबंध होते हैं, तो उन सब में केंद्र और राज्य के बीच का संबंध क्या है वो भी इसी शासन व्यवस्था का हिस्सा है। उसके बाद राज्यों के बीच में अंतर राज्यीय संबंध क्या होता है, उसके लिए कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, कैसे काम करती है, और फाइनली आपातकाल तो पढ़ना ही है क्योंकि केंद्र और राज्य से आपातकाल का रिलेशन है, वो आर्टिकल 352 हो, 356 हो या 360 हो, वहां पे चीजें बदलती है। अगर 352 लग गया और टेन्योर समाप्त हो रहा है केंद्र सरकार और उस स्टेट के राज्य सरकार का, तो एक साल बढ़ाया जा सकता है, 356 में पूरा रिलेशन बदल जाता है, 360 अगर कभी लगा तो वहां भी पूरा रिलेशन बदलेगा। तो ये इसी का एक पार्ट है, तो इसको एक साथ आपने कर भी लिया और अंतर भी। और इमरजेंसी को ठीक से पढ़िएगा, गलती होती है यहां पे, अक्सरहा गलती होती है, क्योंकि इमरजेंसी जब आप ठीक से देखोगे ना तो आर्टिकल 352 जो है वो आपको अलग दिखेगा, आर्टिकल 352 अलग दिखेगा, बाकी और अलग हो जाएंगे। यानी यहां पे आपको एक महीने के अंदर हाउस से पास करना है और फुल मेजोरिटी चाहिए, तो अलग यहां पे थोड़ी थोड़ी जो चीजें बदलती है, सवाल वहीं से निकल के आता है, कंफ्यूजन वहीं होता है, इसीलिए क्वेश्चन पे वहीं गलती करनी है आपको, गलती करनी है, सही नहीं बनाना है, पॉलिटी में सही नहीं बनाना है, पॉलिटी में गलती करनी है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो ये इसको एक साथ कर लीजिएगा। संघ और राज्य अब आते हैं, यही आप लोग अक्सर क्या करते हो, यहीं से स्टार्ट करते हो, लेकिन यहां से स्टार्ट करने के पहले नहीं, यहां से नहीं, आप लोग स्टार्ट करते हैं संविधान सभा से, फिर प्रियम्बल, ये दो और सीधा आ जाते हैं यहां पे। लेकिन अब देखो हम लोग को यहां आने के पहले कितनी दूरियां तय करनी पड़े। अब जब यहां से पढ़ेंगे ना तो आपने वो सारी समस्याएं दूर कर ली है पहले ही, केंद्र राज्य संबंध आपका खत्म, ये अब रिपीट होता रहेगा, अंतरराज्यीय संबंध हो गया, यहां पे सारी चीजें आपने देख ली। अब इधर क्या होगा ना, इधर जो फैक्ट्स है सो फैक्ट्स है, बाकी ऐसे ही समझ में आता रहेगा। पहला, संघ और राज्य क्षेत्र पार्ट वन के अंदर है ना, संघ और राज्य क्षेत्र पार्ट वन के अंदर है ना, तो अब वहां पे देखिए कि पार्ट वन के अंदर है कितने तरीके से संघ और राज्य भारत के राज्य क्षेत्रों को बांटा गया है, तीन तरीका है, वहां भी गलतियां होती है। आर्टिकल वन क्या कहता है, टू क्या कहता है, थ्री क्या कहता है, फोर क्या कहता है, टू और थ्री के में कंफ्यूजन हो जाता है, टू नए पार्ट जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था उसके लिए है, तीन वो उसके लिए है जो भारत का ऑलरेडी पार्ट है, तो वहां पे कंफ्यूजन को दूर कर लीजिएगा। उसके बाद राज्य से ही जुड़े हुए, फिर हम राज्य पे ही आ जाएंगे, एक ही साथ खत्म करना है। विशेष राज्यों के लिए हमारे पास क्या प्रोविजन है, कौन से शेड्यूल के अंदर है, कैसे वहां एडमिनिस्ट्रेशन होता है, राज्यपाल को कैसे पावर मिलती है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र शेड्यूल एरिया कैसे राष्ट्रपति उसको घटा बढ़ा सकता है, राज्यपाल का वहां पे क्या अहम रोल है, क्यों बनाया गया है शेड्यूल एरिया, और वहां पे प्रशासन अलग कैसे होता है, तो ये सारी चीजें। अब ये पीटी का भी हिस्सा है और मेंस का, ये दोनों पीटी का भी हिस्सा है, मेंस का भी हिस्सा है। नागरिकता एक बड़ा टॉपिक है, नागरिकता सिटीजनशिप एक बड़ा टॉपिक है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, और मुझे पता नहीं पर्सनली काफी बोर करता है ये टॉपिक, तो नागरिकता जो है एक बड़ा टॉपिक है। यहां पे आप 5 से 11 के बीच में आर्टिकल है, इसको आप पढ़ेंगे
कैसे पाकिस्तान से लोग यहां आते हैं, क्या होता है, यहां से लोग जाते हैं तो क्या होता है, नागरिकता के देने के आधार कैसे क्या क्या है, नागरिकता जा कैसे सकती है, ऐसे कई सारे प्रोविजन किए गए हैं। और यहीं पे CAA NRC टाइप की जो चीजें हैं वो आपको यही पढ़नी है। इट मींस कि ये भी आपके मेंस का पार्ट भी हो जाता है, तो प्रीलिम्स के साथ मेंस का हिस्सा भी हो जाता है, इसलिए इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, नागरिकता और किताब से अच्छे से पढ़नी है। फंडामेंटल राइट ये इकलौता कवर करता है, इसलिए पूरे स्क्रीन पे अकेले तैर तैर रहा है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये टाइम भी लेता है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम भी लेता है। आर्टिकल 32 से इसकी स्टार्टिंग होती है, आर्टिकल 12 से स्टार्टिंग होती है, 35 तक जाती है। और ये जो स्टार्ट होता है 12 में, स्टेट को भी समझना है आपको, 13 से कैसे जुडिशियल रिव्यू निकल के आता है ये भी समझना है आपको, और उसके बाद जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं ना उसके अंदर जो सब पार्ट एक एक करके गया हुआ है, तो वहां पे आपको फंडामेंटल राइट में टाइम लगेगा याद करने में भी और सब में। जब इसको पढ़िए तो इसको भी प्रीलिम्स और मेंस के रूप में आपको पढ़ना है। यहाँ पे आर्टिकल 21 एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 19 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आर्टिकल 32 काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी 32 में रीट भी आपको पांचों पढ़ जाना है। आप चाहें तो फंडामेंटल राइट के अंदर ही रीट पढ़ सकते हैं, और अगर नहीं तो जुडिशियरी सिस्टम के अंदर जो हायर जुडिशियरी है, हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वहां पर रीट पढ़ सकते हैं। तो दोनों ही जगह आपके पास ऑप्शन है, तो यहां थोड़ा सा टाइम टेकिंग, ये ज्यादा उलझाएगा तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ जगह कंफ्यूजन क्रिएट करता है। जैसे आर्टिकल 20 वाला हिस्सा में, 22 वाले हिस्से में, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, ये लेंदी है थोड़ा सा। डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व, यहां पे आपको क्या करना है कि डीपीएसपी जो है ना, ये पार्ट 4 के अंदर है, यहां पे कैटेगराइज किया गया है, एक सामान्य गांधीवादी नीति निर्देशक तत्व, समाजवादी नीति निर्देशक तत्व, तो ये किया गया। अब यहां पे जो आपको पढ़ना है, ये तो डीपीएसपी तो आप पढ़ ही लोगे जितने हैं, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में लगातार विवाद रहा है, तो दोनों में सुपीरियर कौन है, इंफीरियर कौन है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई वर्डिक्ट हैं, उसको एक ही जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। मिनर्वा मिल्स तक कम से कम उसको कॉपी पे एक साथ डाउनलोड कर, एक साथ लिख लीजिएगा। एक बार लिख लेंगे ना, और नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट के बीच में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, दोनों की अलग अलग विशेषताएं क्या है, और दोनों में किसको हम सुपीरियर माने या ना माने, वो एक साथ लिख के केस लिख दीजिएगा, हमेशा के लिए समस्या समाप्त, कभी ये प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने ये काम नहीं किया तो आप जितना भी पढ़ेंगे और जितनी बार भी पढ़ेंगे, हर बार कंफ्यूजन होगा और हर बार समस्याएं होंगी, ये ध्यान रखिएगा। मौलिक कर्तव्य, कभी कभी सीधे सवाल आ जाता है कि मौलिक कर्तव्य को लिखें, यूपीएससी ने सवाल पूछ रखा है, तो आपको मौलिक कर्तव्य पता होना चाहिए, क्योंकि मौलिक कर्तव्य नहीं पता होने से कुछ मौलिक कर्तव्य, जब ये क्वेश्चन देंगे ना, इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो कोई एक डाल देंगे किसमें, कोई एक फंडामेंटल राइट वाला उठाकर डाल देगा इसमें, कोई डीपीएसपी वाला एक सेक्शन इसके अंदर डाल देगा। अब आपका ये क्लियर अगर नहीं है मौलिक कर्तव्य, तो कंफ्यूजन हो जाएगी और होगी वहां पे, तो इसलिए इसको क्लियर कर लीजिएगा, यहां पे कोई खास नहीं है। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी को इसी के साथ क्यों लाया गया, इसके अंदर कमियां क्या है, और इसको लाने की क्या वजह थी, विशेषताएं क्या है, उसको भी थोड़ा सा देख लेना है। अब फाइनली आते हैं केंद्र और राज्य सरकार, ये एक लंबा टाइम आपसे लेगा, और पूरे पॉलिटी सिस्टम का ये एक तरह से बेस है। मैक्सिमम सवाल यहां से निकल के आते हैं, आपके अधिकांश सवाल यहां पर फंसते हैं। तो यहां पे केंद्र और राज्य सरकार की अगर हम बात करें, इसमें क्या पढ़ोगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, अब इसको देखो पढ़ने का तरीका है, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेगा। तरीका मैं बता रहा हूं, उसको फॉलो कीजिएगा, लोग डर जाते हैं किताब का नाम सुन के, बट सही तरीके से करोगे ना तो किताबें पतली हो जाती है बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो चलो ठीक है, उसको पढ़ लेना, राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल पढ़ लीजिए, जैसे ही राष्ट्रपति पढ़े वैसे ही राज्यपाल, जब आप राष्ट्रपति पढ़ने के बाद सीधे राज्यपाल पढ़ोगे तो जो लगना चाहिए 4 घंटा वो 40 मिनट लगेगा, क्योंकि वही सारे राइट्स रिपीट होते रहेंगे। और थोड़ा सा जो अंतर है,
थोड़ा सा जुडिशियल पावर में अंतर है, थोड़ा सा वो विधेयक को सुरक्षित रखने वाले प्रोविजन में अंतर है, तो जहां थोड़े थोड़े से अंतर है ना, उनको जो इनको अपॉइंट करना या हटाने में अंतर है, तो बस वही अंतर है, बाकी पावर सेम है। ये राष्ट्रपति सेंट्रल लेवल पे हेड है, राज्यपाल राज्य के लेवल पे हेड है, लगभग इक्वल पावर है, 10% से कम का ही अंतर है, उतना ही पढ़ना है। तो नहीं होता है, फिसलते हुए चले जाएंगे आप, रुकेंगे ही नहीं, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो फिसलते हुए निकल जाएंगे। इसको अलग से पढ़ लीजिए, क्योंकि उप मुख्यमंत्री वाला कोई यहां प्रोविजन है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री पढ़िएगा ना, तो प्रधानमंत्री पढ़ते ही मुख्यमंत्री पढ़ लेना, सेम कंडीशन आएगा, फिर यहां पर भी फिसलते हुए निकल जाओगे, और वही 5% का अंतर है जो दिखेगा। यहां तो अंतर भी नहीं दिखेगा, यहां तो वो भी अंतर नहीं दिखेगा, सेम ही पावर है। जो इनका कर्तव्य है राष्ट्रपति के प्रति, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति, जो रिलेशन इन दोनों के बीच में, वही रिलेशन राज्यपाल और मुख्यमंत्री। यहां तो वो भी 1% 2% अंतर मिल गया तो मिल गया, वो भी नहीं मिलना है। समझ में आ रहा है? और यहां पे आपको राष्ट्रपति के सारे पावर्स देखने हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनपे इम्पीचमेंट कैसे लगता है, उनके पास राइट्स कौन कौन से, उनको वीटो कैसे लगाते हैं, उनको अध्यादेश कैसे जारी करते हैं, ये सारी चीजें आपको यहां पे क्लियर जाननी है, और यहां पे कंफ्यूजन का कोई वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है यहां, अब ये जो वो हिस्सा है ना, जिसको आप स्टेट में भी पढ़ते हैं और सेंटर में भी पढ़ते हैं, समझदार आदमी नहीं पढ़ते, क्योंकि ये जो कैबिनेट है, यहां पे देखिए मंत्रिमंडल का इंग्लिश कैबिनेट है और मंत्रिपरिषद का इंग्लिश है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में बड़ा कौन है? मंत्रिपरिषद बड़ा है, क्योंकि इसमें मंत्रिमंडल भी शामिल होती है, और इसी का एक छोटा पार्ट कैबिनेट है, जो काफी अहम होता है। अब मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद केंद्र में भी उसी तरह से काम करता है, सेम पावर एग्जिस्ट करता है, और राज्य के सरकार के स्तर पे भी सेम पावर एग्जिस्ट होती है, सेम पावर, कोई अंतर नहीं है। मंत्रिमंडलीय समिति और संसदीय समिति एज इट इज वही पावर है, वही प्रोविजन है जो स्टेट के अंदर है, जो सेंटर के अंदर है। तो यहां पढ़ के निकल जाइए, और पढ़ने के बाद तब भी कंफ्यूजन रहेगा, क्योंकि नए पढ़ रहे हो, इतना जल्दी भरोसा नहीं होता है। तो जैसे ही इसको पढ़िए ना, राज्य वाला भी पढ़ डालिए उसी समय, हार्डली 5 से 10 मिनट लगेगा, क्योंकि तो साहब आपने पढ़ ही रखा है उसी समय। तो ये अंतर होगा, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देखिएगा, पावर का अंतर क्या है ये सब आप देख लीजिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट, और ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, मेन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ी नहीं है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेंगे तब भी हो जाएगा। अब आता है यहां पे, अब यहां पे देखिए, यहां पर भी एज इट इज आपको आपका टाइम बहुत बचेगा, मतलब आपकी जो किताब है ना 1/4 बच जाएगी, आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे सबसे पहले संसद आता है, फिर राज्य विधानमंडल आता है। संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ना है, लोकसभा को भी पढ़िए, राज्यसभा को भी पढ़िए। लोकसभा में कैसे अपॉइंटमेंट होता है, राज्यसभा में कैसे होता है, उसको कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है, ये कैसे परमानेंट हाउस है, ये सब आपको देखना है। उसी एज इट इज राज्य विधानमंडल, यहां पर भी क्या होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो जहां काउंसिल है वहां है, और नहीं है तो कैसे हटाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, एक वही पढ़ना है। बाकी जो लोकसभा जैसे काम करती है ना, वैसे ही विधानसभा काम करती है, जैसे लोकसभा काम करती है एज इट इज विधानसभा काम करती है। विधान परिषद थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि जहां राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसको नहीं हटाया जा सकता है, और वो रियली में एग्जिस्ट करता है अपने पावर्स के साथ, उतना पावर विधान परिषद के पास नहीं है। वहां संविधान में अगर कोई संविधान संशोधन विधेयक आ गया, मामला फंस गया, सॉरी वहां पे संविधान संशोधन और मनी बिल को छोड़कर कोई भी बिल आ गया, मामला फंस गया, तो ज्वाइंट सेशन होना है। लेकिन यहां नहीं प्रोविजन है राज्य में, क्योंकि विधान परिषद कमजोर है। तो ये अंतर को आपको एक साथ पढ़ के समझना पड़ेगा, और जैसे ही लोकसभा पढ़े ना एज इट इज, आपको वो चीज वो पावर आपको समझ में आ जाएगा लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर। और राज्यसभा से थोड़ा डिफरेंस है, और थोड़ा रिलेशन जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच में है, वो एज इट इज विधानसभा और विधान परिषद के बीच में नहीं है। जैसे वहां कोई विधेयक 6 महीने के लिए अटका सकते हैं, यहां 4 महीने में इनको इनका हालत खराब हो जाएगी, बाकी सब एज इट इज है। तो वो है। इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन तो सेम ही तरीके से होता है। सेशन की बात करें, अब जो हाउस का सेशन होता है वो सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी सेम होता है। बजट का प्रोसेस सेम होता है, एक जगह पढ़ लीजिए वहीं से भाग जाइए। विधेयक सेम टाइप के होते हैं, सिर्फ संविधान संशोधन बिल केवल सेंटर में आता है, यानी पार्लियामेंट के अंदर आता है, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आ सकता। तो संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर बाकी सारे बिल जो है एज इट इज है, आपको यहां नहीं पढ़ना है दोबारा। कटौती कट प्रपोजल सेम,
दोनों सदनों की विशेषताएं क्या है वो तो आप देख लोगे, और शक्तियों की तुलना। तो ये एक्चुअली दोनों सदनों की विशेषता और शक्तियों की जो तुलना होती है वो 99% जो सवाल है ना वो लोकसभा और राज्यसभा से पूछे जाते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा से ही पूछे जाते हैं, लगभग पावर वही है, थोड़े से जो अंतर है स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और काउंसिल के अंदर, विधान परिषद और विधानसभा के अंदर, वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप जो ये लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विशेषता है ना ऑलमोस्ट वही सारे हैं, थोड़े से डिफरेंस है, उसको भी आप देख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। तो यहां आप सीधे जो है लगभग कम से कम 75 के आसपास या उससे अधिक पेज बचा सकते हो, 100 से भी ऊपर क्रॉस कर सकता है क्योंकि रिपीट किया गया है सब चीज को किया। उसके बाद पंचायत नगर पालिका बिहार के लिए तो समझो ना कि ये दोनों, और ये खास करके मतलब बिहार के लिए तो पता नहीं क्या है, बिना इसके सवाल ही नहीं आ सकता, इस साल शायद नहीं आया है क्या, इस साल पंचायत से सवाल है कि नगर पालिका से है कि दोनों में से कोई एक तो होना ही होना है। वैसे पंचायत बहुत ही फेवरेट टॉपिक है और काफी अंदर से सवाल शुरू से ही पूछने की आदत है इनको। तो पंचायती राज की अगर बात करें तो पेसा वाला जरूर देखिएगा, ग्राम सभा देख लेना, जो भी पावर्स इनको दिए गए हैं शेड्यूल इनका वाला देख लीजिएगा, अनुसूची जो है जहां पे पूरा लिस्टेड किया गया है, और वही काम आपको नगर पालिका में करना है, वही काम नगर पालिका में करना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोग को देख लेना है। अब आते हैं भारत की जुडिशियरी सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम में हाईकोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर जजों की नियुक्ति कैसे होती है, उनको हटाया कैसे जाता है, दोनों हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में। रीट जो आती है पांच तरह की, उसमें वो कौन कौन सी है, उसमें अंतर क्या क्या है, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर कौन कौन से, एडवोकेट कौन बन सकते हैं, उसके लिए विशेषताएं क्या होनी चाहिए, और जुडिशियल एक्टिविज्म और जुडिशियल रिव्यू में क्या अंतर है। आर्टिकल के साथ आपको एक्टिविज्म बताना है और ये प्योर मेंस का टॉपिक है, प्योर मेंस का टॉपिक है। हाँ थोड़ा सा ये पीटी कैसे होता है कि न्यायिक सक्रियता कहां से लिया गया, न्यायिक पुनर्विलोकन कहां से लिया गया, कौन से कोर्ट इसको लागू करती है। तो न्यायिक सक्रियता और न्यायिक पुनर्विलोकन और जनहित याचिका, ये तीनों का, इस तीनों का डेफिनेशन यानी आपको इसको अच्छे से समझ लेना है, इसका इंप्लीमेंटेशन यानी कहां कहां इसको लागू किया जाता है, इसके मेरिट क्या क्या है और इसके डिमेरिट क्या है, तीनों के तीनों डिमेरिट्स क्या है, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इस या हायर जुडिशियरी ने इसको क्यों लागू किया। चलो न्यायिक सक्रियता तो आर्टिकल 13 से मिल गया, लेकिन न्यायिक न्यायिक पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू तो आर्टिकल 13 से मिल गया, लेकिन जुडिशियल एक्टिविज्म ये बिल्कुल नया है। और यहां पे दो टर्म यूज किया जाता है, एक न्यायिक सक्रियता और एक अति सक्रियता, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन से कितने मतलब कितना यूज करना चाहिए, वो सारी जनहित याचिका आपको देखना है। इसके बाद भारत में कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, यहां पे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, आसानी से कर लेंगे, लेकिन कुछ अप्लाइड सवाल होगा उसके लिए ध्यान रखिएगा, लाइक निर्वाचन आयोग। अब इलेक्शंस के रिफॉर्म से रिलेटेड यहां पे सवाल आ सकता है, या राज्य की राज्य स्तरीय पार्टी राष्ट्रीय स्तरीय पार्टी का दर्जा कैसे दिया जाता है, ये सब होगा। तो इलेक्शन कमीशन, इसके काम क्या क्या है, वित्त आयोग कितने मेंबर होते हैं, योग्यताएं क्या होती है, काम क्या क्या है। उसके बाद यूपीएससी एंड पीसीएस आयोग, उसके अध्यक्ष के चुनाव कैसे होते हैं, मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, हटे कैसे जाते हैं, उनके काम क्या है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग और भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक आयोग, क्योंकि हमारे यहाँ माइनॉरिटी दो ही आधार पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे या रिलीजन बेसिस पे, तो धार्मिक और भाषाई जो आयोग है ये सब। उसके बाद कैग, कैग के बारे में तो आपको अच्छे से पढ़ना है, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़िए, मेंस में कोई खास नहीं है। महान्यायवादी और महाधिवक्ता, ये जो है ना अटर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल, ये भी हो गया राज्य वाला और केंद्र वाला, ये केंद्र में है ये राज्य में है। जैसे ही महान्यायवादी पढ़ना, जैसे ही महान्यायवादी पढ़ना, तुरंत आ जाना महाधिवक्ता पे, तुरंत आइएगा, है वैसे शायद उसके बाद ही दिया हुआ है चैप्टर इसमें लक्ष्मीकांत में, तो तुरंत इसको पढ़िएगा, दो मिनट से ज्यादा नहीं लगना है, दो मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसको पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद मानवाधिकार आयोग, अच्छे से देखिएगा मानवाधिकार आयोग में कौन जाते हैं, ये तो आपको पता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही अध्यक्ष होते हैं, लेकिन इनके काम क्या क्या हैं उस पे देखना, कि जैसे ये खुद पनिशमेंट नहीं दे सकते, ये रिकमेंडेशन कर सकते हैं, किसी को क्षतिपूर्ति खुद नहीं दे सकते, रिकमेंडेशन कर सकते हैं। फिर राज्य मानवाधिकार, इनके लिए जो प्रधानमंत्री को मिलाकर जो 6 लोगों की कमेटी होती है जो रिकमेंडेशन राष्ट्रपति को देती है, उनमें कौन कौन होता है, राज्य में कितने निर्वाचन, कितने लोगों का निर्वाचन आयोग मानवाधिकार आयोग होता है, उनकी चुनाव कैसे होती है, सीबीआई, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। अब यहां पे कुछ और टर्म्स हैं, कुछ और टर्म है जिसको आप
देख सकते हैं, इसको बाद में भी देख सकते हो और पहले भी देख सकते हो, ये आपकी अपनी मर्जी पे है। दल बदल कानून तो पहले देख लेना, एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं इसको, दल बदल कानून को एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि यहां से सवाल आता है। अब इसमें तीन तरह के लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी से चुन के टिकट पे गए, एक निर्दलीय और एक मनोनीत नॉमिनेटेड मेंबर, तो तीनों के लिए अलग अलग कंडीशन, तो उस कंडीशन को देख लेना। प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी में देखना जरूरी है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पॉलिटिकल पार्टी में राष्ट्रीय स्तरीय राज्य स्तरीय पार्टी या जो क्षेत्रीय पार्टी होती है वो कैसे बनती है, कैसे कोई राष्ट्र स्तरीय पार्टी राज्य स्तर पर जाती है, तो वो जो कंडीशन है निर्वाचन आयोग का वो। प्रेशर ग्रुप प्योर मेंस टॉपिक है, आधिकारिक भाषा भी आधिकारिक भाषा प्रीलिम्स के अंदर ले सकते हो। अधिकरण ट्रिब्यूनल यहां पे आप देख लीजिएगा क्योंकि ये जो है ना अर्ध न्यायिक संस्था माना जाता है, क्वासी जुडिशियल संस्था होता है, तो ट्रिब्यूनल के बारे में देख लेना, ये आप देख सकते हैं। फिर इलेक्शन निर्वाचन सुधार, इसके अलावा सहकारी समिति, नीति आयोग, लोकपाल, वरीयता अनुक्रम, अच्छा यहां तक ठीक है, यहां तक कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिए जो वरीयता अनुक्रम है ये आप किसी भी किताब से देख सकते हैं क्योंकि वो सीक्वेंस है कौन नंबर वन पे, कौन नंबर टू पे, कौन नंबर थ्री पे, इसको ध्यान रखना जरूरी है, सवाल वहां से आ सकता है। उसके बाद अनुसूची, अनुच्छेद और भाग, तो ये तीनों तो फैक्चुअल टाइप के हैं, लुसेंट भी मिलेगा तो उसको भी पढ़ लीजिएगा, लक्ष्मीकांत में भी एक तरफ दिया हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट वाला पढ़िएगा। अब सवाल है कि यहां पे इंपॉर्टेंट कैसे समझ में आएगा, प्रीवियस ईयर में जितने भी शेड्यूल, जितने भी भाग और जितने भी आर्टिकल दिए गए हैं उनको अलग अलग कॉपी पे नोट कर लीजिए, वही इंपॉर्टेंट है, वही इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कुछ और बचता है तो उसको देख लो बस। जैसे अभी आर्टिकल 130 पूछ दिया, इसका ये मतलब नहीं कि सारे के सारे पढ़ने हैं, अब वो पूछ दिया इसका मतलब और भी पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो भी एग्जामिनेशन में अभी तक में पूछा गया ना उसी को एक साथ कर लीजिएगा ना, तब भी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और बस तो इस तरह से आप पॉलिटी को कीजिए, पॉलिटी में आपका आप जितना भी टाइम दे रहे उसके हाफ टाइम में आपका पॉलिटी तैयार हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटी में बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना, जैसे महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उसके अलावा ये सब नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट एक साथ कर लो टाइम कमेगा, इसके अलावा ये जो पार्लियामेंट वाला हिस्सा है, मंत्रिपरिषद वाला हिस्सा है, केंद्र और राज्य और ये हिस्सा है, ये बहुत टाइम लेता है और ये 30% के आसपास टाइम पूरे पॉलिटी का लेता है, ये आपके कम हो जाएगा, एक ही बार कम हो जाएगा। और जो पहला मैंने बताया आपको, इससे आपको समझ में आसानी होगी, इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे संविधान को तो स्टार्टिंग से ही आपका ये फिनिश होता जाएगा और समझने में आसानी होगी, तो होपफुली की चीजें समझ में आ रही होंगी और ये काम करेगा तो बताइएगा। आगे इकोनॉमिक्स का भी मुझे करना है, तो अगर ये फायदा कर रहा होगा तो बोलना, इकोनॉमिक्स का भी हम करेंगे।